गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ अशोक कुमार फ्रॉम SMBSS इंग्लिश अकेडमी गुड़सराय। एज वी आर फेसिंग द सिचुएशन ऑफ लॉकडाउन ड्यू टू द COVID-19 डिजीज, ड्यू टू विच स्टूडेंट गेट अफेक्टेड बाय देयर स्टडी, सो टुडे आई एम गोइंग टू पिक अ टॉपिक फ्रॉम द क्लास 7th साइंस, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, production of new individual from their parents is known as reproduction. नए organisms का या नए individuals का production करना जो कि parents के similar नज़र आते हैं, ये कहलाता है आपका reproduction. There are two type of reproduction. Number one is asexual reproduction. Asexual reproduction in which there is no sex organ involved, only single parent can reproduce through this mode, as you show in the figure. A जो single each cell है वो किस तरीके से divide हो रहा है एक bud के अंदर, और वह bud अलग अलग तरीके से अलग अलग और नए डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे ये अपने पेरेंट सेल से अलग होकर एक नया ई सेल बनाते हैं. दिस इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच सेक्स ऑर्गन आर जनरली इन्वॉल्व एंड टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. एज यू सीन इन फिगर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के साथ कंबाइन होता है और जायगोट बनाता है, और धीरे धीरे ये जायगोट डेवलप हो जाता है एक एम्ब्रियो में, और कुछ महीने बाद जिसको हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, जो हर ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग होता है, उस गेस्टेशन पीरियड के बाद एक न्यू बॉर्न बेबी जन्म लेता है या प्रोड्यूस होता है. This is called sexual reproduction. Next, asexual reproduction is organism. आज हम सिर्फ एक ही टॉपिक लेंगे asexual reproduction का. तो इस टॉपिक में हम अगर पहला पॉइंट पढ़े तो इन asexual reproduction organism can give rise to new organism without fusion of gamete. Means कि जो इस रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो नया ऑर्गेनिज्म होता है वो बिना फ्यूज़न ऑफ गैमेट के प्रोड्यूस होता है. और दूसरा पॉइंट है कि इसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. इसके अलावा बताएं तो इस प्रोसेस के अंदर सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होते. सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होते तो उनमें गैमेट प्रोड्यूस भी नहीं होगा. तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो आपका फिजन है. फिजन का अगर जनरली मीनिंग देखें तो फिजन मतलब होता है टूटना, ब्रेक. तो इन फिजन जनरली अ सिंगल सेल और अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू और मोर देन टू डॉटर सेल्स. बेस्ड ऑन दिस द फिजन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप. नंबर वन इज बाइनरी. अब आपको समझ आ रहा होगा कि बाइनरी में अगर आप देखो तो पहला वर्ड है बाई. बाई मीन्स होता है टू. जब कोई सिंगल पेरेंट सेल टू डॉटर सेल में टूटता है या डिवाइड होता है तो वो फिजन कहलाता है आपका बाइनरी फिजन, जो कि आपको अमीबा या पैरामीशियम में देखने को मिल जाएगा. फिगर में देखिए कि एक किस तरीके से एक पेरेंट सेल या पेरेंट अमीबा डिवाइड हुआ है टू डॉटर सेल्स में या टू न्यू अमीबा में. नेक्स्ट है आपका टॉपिक मल्टीपल फीजन. वहाँ था बाइनरी फीजन जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होता था दो में. यहाँ है आपका मल्टीपल फीजन जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होगा एक दो से ज़्यादा में. जैसे आप देख रहे हो कि एक पेरेंट सेल है प्लास्मोडियम का जिसमें न्यूक्लियस है, वो उसी सेल के अंदर कई न्यूक्लियाइज में डिवाइड हो जाता है और थोड़ी देर बाद, या आप कह सकते हो एट अ सर्टेन पीरियड, इट विल बी ब्रस्ट,
और जो बस्ट होने के बाद उसमें से जो न्यूक्लियाइज हैं वो रिलीज हो जाते हैं और एक नए प्लास्मोडियम को जन्म देते हैं। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन सो जनरली आप एक एक तरीके का क्लोनिंग का प्रोसेस है जिसमें क्लोन बनाए जाते हैं, या आप कह सकते हो कोई भी बॉडी पार्ट अगर टूट जाए उस बॉडी पार्ट से बाकी का बॉडी डेवलप हो जाता है तो वो कहलाता है आपका फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताया गया है, जैसे आप देख सकते हो पहले फिगर में फ्रेगमेंटेशन में कि किस तरीके से कोई भी पार्ट जो अलग हुआ था या टूट गया था, फ्रेगमेंट हो गया था, वो एक नए पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अगर आप देखो अपन मैथ में देखते हैं कि फ्रेगमेंट का मतलब होता है पीसेस, तो अगर किसी भी पीसेस से डिवाइड होने के बाद अगर वो पार्ट अपने आप को डेवलप कर लेता है पूरे ऑर्गेनिज्म में, दैट्स कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। वेयर इज रीजनरेशन, ये हमने जनरली देखा है कि रीजनरेशन प्रोसेस जो होता है, आपने देखा होगा घर में लिजार्ड वगैरह होती हैं, छिपकलियाँ होती हैं, अगर उनकी पूंछ कट जाती है तो वो पूंछ दोबारा जनरेट हो जाती है, लेकिन अगर पूंछ से पूरी ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हो सकता, फर्क इतना ही है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि छोटे से पार्ट से भी पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकता है उसके हर एक पार्ट से, लेकिन रीजनरेशन में क्या होता है कि सिर्फ जो मेन बॉडी होती है वही डेवलप कर सकती है अपने पार्ट को, लेकिन पार्ट मेन बॉडी को डेवलप नहीं कर सकता, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। कुछ एग्जाम्पल हैं इसमें स्पॉन्जेस और लाइकेंस वगैरह जो कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बडिंग। बडिंग अगर जनरली अपन देखें तो प्लांट्स में क्या होता है, बड मीन्स होता है कली, फूल की पहले जो स्टेज होती है वो कली कहलाती है। तो इसमें भी आपको दिख रहा है कि किस तरीके से एक पेरेंट जो हाइड्रा है उसके साइड से एक बड डेवलप शुरू हुआ है। धीरे धीरे क्या होगा कि जो सेल इसके अंदर प्रोड्यूस होगा पेरेंट के अंदर वो भी डिवाइड होना शुरू हो जाएगा और वो इस बड में इंट्रोड्यूस हो जाएगा सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में एक नया बड पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा और फोर्थ स्टेज में वो अपने पेरेंट्स से अलग होके एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार कर लेगा। दैट इज कॉल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग। बडिंग इज द फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम द आउटग्रोथ और बड ड्यू टू द सेल डिवीजन एट वन पर्टिकुलर साइट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। और ये जनरली आपको देखने के लिए मिलेगा ईस्ट में या फिर हाइड्रा में। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन द टर्म इज ऑल्सो यूज टू रेफर टू द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन वाया स्पोर्ट्स। यहाँ पे हम लोग जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं वो स्पोर्ट्स के रूप में कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो फंजाई वगैरह में देखने के लिए मिलता है, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक बॉडी जो स्पोर्ट्स कहलाती हैं, जो एक कह सकते हैं पैकेट टाइप में पैक रहती हैं और जब ये ब्रस्ट होता है तो वो अपने एरिया में फैल। नेक्स्ट है एंड लास्ट टॉपिक ऑफ अवर वीडियो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये एक तरीके का आप कह सकते हो नेचुरल तो नहीं है बट इट इज़ आर्टिफिशियल टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। अब इसमें क्या होता है कि नया प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके के या कह सकते हैं प्लांट्स के अलग अलग पार्ट को यूज़ करते हैं। कई जगह रूट को यूज़ किया जाता है, कई जगह स्टेम को यूज़ किया जाता है, कई जगह बड्स को यूज़ किया जाता है। अगर आप देखें तो एग्जांपल के रूप में यहाँ लीव्स यूज़ की गई है। ब्रायोफेलम एक ऐसा प्लांट है जहाँ क्या होता है कि लीफ में कुछ नए प्लांट जर्मिनेट होने लगते हैं, फिर अगर हम उसकी लीफ के उस नए प्लांट्स को लेके जो जर्मिनेट हुए हैं उसकी लीफ पे, जिसका जैसा कि आपको दिख रहा है इसमें, तो आप इनको अगर ज़मीन में बरी कर दोगे तो एक नया प्लांट आपका डेवलप हो सकता है। इसी तरीके से जो अपने अपने घर में प्याज आती है,
तो उस प्याज में अपन देखते हो जो हरी प्याज आती है उसके नीचे कई नीचे वाला जो पार्ट होता है जहाँ पे कुछ रूट टाइप की नज़र आती है, अगर हम उसको वापस इंसर्ट करके उसको मिट्टी में दाब दें तो एक आपका नया प्लांट डेवलप हो सकता है। इसी तरीके से रूट में कैरेट और बीट रूट्स है, और एक सबसे बड़ी एग्जांपल है बर्ड का जो रोज़ में पाया जाता है। रोज़ प्लांट में छोटा सा बर्ड होता है, अगर हम उसको वहाँ से काट के किसी चीज़ में ग्रो भी कर सकते हैं। तो सो स्टूडेंट, आज हमने देखा कि किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट में पाया जाता है यह होता है। कल हम एक नया टॉपिक लेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट।